फ्रेंड्स, गिट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके सामने मैं रिव्यू करूंगी NYB का आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर। बट रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह वो डायलॉग मारूंगी कि प्लीज हिट कर दो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा दो यार, कंजूसी मत करो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जाते जाते प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलें। सो मैं एक्चुअली आज रिव्यू करने वाली हूँ NYB का आईलाइनर। ये बहुत ही अफोर्डेबल आईलाइनर है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स ही नहीं, वर्किंग लेडी है, हाउस वाइफ से कोई भी इसे यूज कर सकता है, बिकॉज अफोर्डेबल है और काफी अच्छा आईलाइनर है। इसका रिव्यू और डेमो ऑफकोर्स मैं आपको देने वाली हूँ। सो और NYB का आईलाइनर या NYB के जितने भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको सिर्फ purple.com पे मिलेंगे। सो इशू हो सकता है कि अगर आप अपने लोकल मार्केट में खरीदना चाह रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन ही इसे परचेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके कॉस्ट से। इसका कॉस्ट है ओनली 135 रुपीज और ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है, ट्रांसपेरेंट। इस पे यू नो जब ये आया था कवरिंग थी, बट वो निकाल दी है मैंने, बहुत पहले निकाल दी बिकॉज मैंने वन ब्रांड ट्यूटोरियल किया था, उसके लिए निकालना पड़ा मुझे। बट यस, उसकी कवरिंग पे ना सिर्फ बारकोड दिया था और कुछ नहीं था, और ये पूरे जो पैकेजिंग है इस पे कुछ भी मेंशन नहीं, इंग्रेडिएंट्स नहीं मेंशन है, कुछ भी नहीं। बट यहाँ एक स्टिकर था, वो भी यू नो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही, मतलब फर्स्ट टाइम यूज किया था उसके बाद ही कहीं मिसप्लेस हो गया मेरे से, बट आई डोंट इवन रिमेम्बर कि उस पर कुछ लिखा हुआ था, बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे। बट एनीवेज प्रोडक्ट है मेरे पास, मैं उसका रिव्यू और डेमो आपको जरूर दूंगी। सो कुछ यू नो शाइनी सी पैकेजिंग में आता है ये, इसका जो कैप है थोड़ा शाइनी है, ब्लैक मैट नहीं है, और ये बॉटल भी काफ़ी स्लीक है। इसमें कितना ml प्रोडक्ट मिलता है मुझे पता नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स उन्होंने दिया नहीं है, इस पर मेंशन कहीं नहीं किया था। सो स्लीक सी बॉटल है, आराम से आपके पर्स में आप इसको कैरी कर सकते हो, नहीं गिरेगी, कुछ नहीं होगा, स्पिल नहीं होगा, टाइट लग जाता है अच्छी तरह से। सो ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह का एप्लीकेटर है इसका, बहुत ही थिन एप्लीकेटर है इसका, मुझे इसका एप्लीकेटर एक्चुअली में बहुत पसंद आया है। और ये एक एक्चुअली स्ट्रैंड है ये एप्लीकेटर का, ये निकल गया, ये पहले से ही ऐसा था बट मैंने तो उसको निकाला ही नहीं, बिकॉज ये मुझे इसने किसी भी तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, मैं अपने आराम से आईलाइनर लगा लेती हूँ। एप्लीकेटर बहुत पतला है तो आप विंग इससे बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। सो बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है जो विंग बनाना सीख रहे हैं। सो मुझे इसके एप्लीकेटर पसंद आया और मैं आपको इसका स्वॉच करके दिखा दूँ। सबसे पहले ये है इसका सिंगल स्वॉच और ये काफ़ी ब्लैक है, आई एम नॉट श्योर आप कैमरे पे इसका ज़्यादा यू नो देख पा रहे हो कि नहीं, कि एग्जैक्ट ब्लैक है कि नहीं, डार्क ब्लैक है कि नहीं, बट येस इट इज़ दैट जेट ब्लैक। और मैं इसका यू नो मल्टीपल स्वाइप करती हूँ, ओके। सो मल्टीपल स्वाइप के बाद कुछ ऐसा नज़र आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट येस इसको ड्राई होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसने ड्राई होना शुरू कर भी दिया है। सो मुझे इसकी बात अच्छी लगी कि ये ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाता है। सो अब इसका मैंने आपको स्वॉचेस बता दिया, मैं आपको इसका डेमो करके बता दूँ आईस पे कि इसको कैसे लगाना है, आप कैसे लगा सकते हैं, इससे विंग आईलाइनर बनाना आसान है कि नहीं। उसके बाद मैं इसका वाटरप्रूफ टेस्ट और वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट करूँगी। सो मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट ले लेती हूँ और लगाते हैं कि ये देखिए काफ़ी पतला भी मैं इससे ड्रॉ कर पा रही हूँ। सो अच्छी बात है, जिसको पतला पसंद है पतला लगाओ, जिसको मोटा पसंद है यार मोटा लगा लो। तो मैं इसको थोड़ा सा और मोटा कर देती हूँ ताकि आपको साफ नज़र आए। देखिए अपनी इसने इतना जल्दी ड्राई होना शुरू कर दिया, इसने इसकी ड्राइंग पावर लाइक मुझे बहुत अच्छी लगी है। सो देख सकते हैं इसे विंग बनाना कितना आसान है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। सो और इसने सचमुच ड्राई करना स्टार्ट कर दिया है और सीरियसली बहुत अच्छा, एक तो अफोर्डेबल है, ऊपर से विंग भी आसानी से बन जाता है, ड्राइंग भी इसकी बहुत जल्दी ज़्यादा जल्दी भी ड्राई होता है। सो और क्या चाहिए यार। सो मैंने इसको दूसरी आईज पे भी लगा लिया है और ये एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ब्लैक है, प्रिसाइजली लग जाता है। सो अब ये आंखों पे तो लग गया है, अब मैं इसको वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट करती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा पानी इस पर पोर कर लेती हूँ और देखते हैं वाटर रेजिस्टेंस है कि नहीं, थोड़ी देर उसको ऐसे ही रखने देती हूँ ताकि हमें पता चल सके।
बिकॉज तभी पता चलेगा, जब आप उसको थोड़ी देर रखोगे तभी पता चलेगा कि ये वाटर रेजिस्टेंस है कि नहीं। सो देखिए ये वाटर रेजिस्टेंस है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं किया इसने अपनी प्लेस पे, यानी आपको पसीना आएगा तो ये निकलेगा नहीं अपने आप। हाँ अगर पसीना आ गया उसको ऐसे रब करोगे तो शायद निकल जाएगा, बट ये हमें तब पता चलेगा जब मैं इसका स्मच प्रूफ टेस्ट करूँगी। सो देखिए ये मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हैंड से नहीं कर रही हूँ, लाइट हैंड से ही कर रही हूँ, पर फिर भी देखिए स्मज नहीं हुआ है अभी तक। वाओ दैट्स सो कूल, कितना सस्ता है और ये स्मज नहीं हुआ अभी तक। वाओ अभी देखिए मैं बहुत ज़्यादा देर इसे रब करूँगी तो, और बहुत ज़्यादा हार्ड हाथों से, तब जाके ये स्मज हो रहा है, वो भी बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है मुझे। तो देखिए मैं इसे रब कर रही हूँ फिर भी ये बहुत ज़्यादा जल्दी स्मज नहीं हो रहा है। सो मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि स्मज तो होता है लेकिन इतनी ईजिली स्मज नहीं होता है। सो गुड थिंग इज कि ये काफ़ी लंबा चलता है, वाटर रेजिस्टेंस है, स्मज प्रूफ है कुछ हद तक, पूरा तरह से नहीं बट हाँ कुछ हद तक। बहुत आई कैन लाइक 100% मैं इसको रिकमेंड करती हूँ, आप इसको आंख बंद कर खरीद लो अगर आपको खरीदना है तो। और इसका परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस पर क्लिक करो और इसको बाय कर सकते हो आप। सो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू और डेमो इस NYB के आईलाइनर को लेके। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स करके, और हाँ जाते से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी आपको जरूर हिट करना है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।